ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज कि कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था ऑन माय चैनल, जिसमें हमने एक पिक्चर डाली थी पीपीडीटी टीएटी की। इस पिक्चर में क्लियरली ये दिख रहा है कि जो तीन कैरेक्टर हमने आपको दिखाए हैं, जिसमें दो मेल हैं एक फीमेल है ना, तो जो एक मेल है और एक जो फीमेल, मतलब जो आमने सामने खड़े हैं, तो जो मेल है वो ऐसा समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा सा गुस्से में है, और सामने जो लेडी है वो उसके ऊपर थोड़ा सा चिल्ला रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है। आपने उस चीज को यहाँ पे अवॉइड कर दिया है या नहीं मेंशन किया है, तो आपने क्या किया है, स्टिमुलस को अवॉइड किया है। ये चीज आपको नहीं करना है, आपको इस चीज को अपनी स्टोरी में मेंशन करना है। ही कंप्लीटेड हिज क्लास 10th एंड वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी थ्रू एनडीए, सो ही टोल्ड हिज पेरेंट्स बट हिज मदर नॉट एग्री विथ हिज डिसीजन बट हिज फादर इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। ओके, मैंने विद टाइम ये रियलाइज किया है कि जो टीएटी की पिक्चर्स हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज कि जो क्राइसिस है या जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली मेंशन होता है पिक्चर में, जैसे कि पोज चेन स्निचिंग वाली पिक्चर बहुत पॉपुलर है, वो बच्चों ने देखी होगी, तो उसको बच्चे अवॉइड कर देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सीमा यादव मैम। मैम इज अ पीएचडी इन ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, एंड शी इज अ ट्रेनर एट शी इज एसएसबी ट्रेनर एट एलडब्ल्यूएसएसएसबी। एज यू नो, एलडब्ल्यूएसएसएसबी हैज बीन अ लॉन्ग टाइम पार्टनर एंड अ फ्रेंड ऑफ अवर चैनल। काफी वीडियोस किए हैं, डू चेक आउट दोस वीडियोस। Ma'am, thank you so much for coming on the channel. It's a privilege and an honor to host you on my platform. Thank you so much, Simrat, for inviting me. And one thing I must say, ki bahut sare candidates mere personally aaye aur unhone bataya ki aapka jo ye platform hai wo kitna zyada unke liye helpful hai, ek bahut sahi tarike se guidance provide hoti hai unko. To bas main to yahi kahungi ki aap aise hi karte raho, aage badhte raho aur jo bacche hain unki help karte raho. Thank you so much, ma'am, for those kind words, but it is all only because of assessors like you who agree to share their knowledge. The objective of this video is ki kuch din pehle maine community post dala tha on my channel, jisme humne ek picture dali thi PPDT TAT ki, to uspe bahut sare bachchon ne apni stories likhi hain. It's a good effort but not that good, so don't worry guys, ma'am uska feedback dengi, evaluate karengi stories ko abhi after this intro. And do check it out. It's a beautiful video. आपको एंड तक बनी रहे, so that आपको पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं करना. And also, if you think कि ये आपसे मिस हो गया स्टोरी, don't worry. हम एक और वीडियो बनाएंगे TAT की, जिसमें हम पिक्चर डालेंगे एंड यू जस्ट हैव टू राइट अ स्टोरी. So do keep checking out the community post. So on to the video. हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरीज को पढ़ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे सबको पता है कि टीएटी क्या है, पीपीडीटी क्या है, किस तरीके से इसको लिखना होता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, बुक्स और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो ये सारी चीजें सबको पता है. तो आज मैं बात करूंगी कि स्टोरी जो होती है उसकी डेप्थनेस के बारे में, कि आप जो स्टोरी लिखते हैं उसका डेप्थ एनालिसिस कैसे होता है, एक साइक आपकी स्टोरीज में क्या देखता है. तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने कंप्लीट ह्यूमन माइंड स्पैन को जो है स्टडी किया है. जब से एक बच्चा जन्म लेता है तब से लेके जो एक ह्यूमन लाइफ की लास्ट स्टेज होती है, आप सबको पता है, तब तक की जो मतलब जो उसका माइंडसेट है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं. और सेम साइक मतलब एसएसबी के साइक में भी यही सारी चीजें जो है वो देखी जाती हैं, समझी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स. जैसे कि टीएटी, एज यू ऑल नो कि आपकी प्योरली अनकॉन्शियस माइंड का टेस्ट है, डब्ल्यूएटी आपकी सबकॉन्शियस माइंड का टेस्ट है, एसआरटी और एसटी जो है वो आपकी कॉन्शियस माइंड का टेस्ट है. तो आज हम आपकी स्टोरीज में यही सारी चीजें देखने वाले हैं कि आपका अप्रोच क्या रहा है. और दूसरी चीज ये कि जब आप स्टोरी लिखते हैं तो जो आपकी स्टोरी है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है. बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से भी बात करते हैं. जैसे कि अगर हम साइकोलॉजी के टर्म में बात करें, तो आप जो एक पिक्चर देख रहे हैं, तो जो पहले जो मतलब जो तीन चीज मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें डिवाइडेड है, दैट इज फर्स्ट इज कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, सेकंड इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एंड लास्ट इज मतलब मोस्ट लाइकली आउटकम. जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन. तो उसको बहुत जगह आप मतलब आप सुनेंगे कि हम कहते हैं कि स्टोरी की पास्ट में क्या था, और व्हाट इज हैपनिंग मतलब कि प्रेजेंट,
और मोस्ट लाइकली आउटकम का मतलब क्या हो गया, आपका फ्यूचर। या फिर अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझें तो हम कहते हैं कि जो आपकी स्टोरी होनी चाहिए वो पहला जो है वो इंट्रोडक्शन, मतलब आप 1 से 2 लाइन में इंट्रो बता दीजिए, और फिर आपका आ जाता है मेन बॉडी, 4 से 5 लाइन अपना मेन बॉडी, मतलब कि एक्शन, आप एक्शन डाल दीजिए अपनी स्टोरी में, और जो आपका आउटकम है या फिर कंक्लूजन जिसको हम बोलते हैं वो आपका आ जाता है जो लास्ट की 2 या 3 लाइन्स हैं। तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और आउटकम या कंक्लूजन, इसको बहुत लोग बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, या फिर आप कह सकते हैं कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड मोस्ट लाइकली आउटकम। तो आपकी जो स्टोरी है वो इन तीन, मतलब ये 3 स्टेप होते हैं जिसमें आपको बेसिकली अपनी स्टोरी को लिखना होता है। तो ये सारी चीजें आपकी स्टोरीज में चाहिए। तो चलिए आपकी स्टोरीज को हम पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपने अप्रोच किया है। अच्छा, मैंने सबकी स्टोरीज को पढ़ा है और 2-3 जो कॉमन मिस्टेक आपकी निकल के आई हैं, दैट इज़ कि जो सबसे बड़ी, बहुत लोगों ने ये गलती की है कि आप लोगों ने बहुत छोटी स्टोरीज लिखी हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कम से कम आपकी स्टोरीज 8 से 10 लाइन की होनी चाहिए। आप सबको पता है कि TAT के लिए आपके पास 4 मिनट का टाइम है, तो उस 4 मिनट में आपको जो है वो कम से कम 8 से 10 लाइन लिखना है, सो दैट कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी या फिर जिसको मैं एक्शन में आपको बोल रही हूँ वो एक्शन और आपका आउटकम निकल के आए। तो बहुत छोटी स्टोरीज नहीं लिखेंगे जिससे कि मतलब एक कंप्लीट स्टोरी ही ना निकल के आए। दूसरी चीज, अगर हम इस पिक्चर की बात करते हैं, अब ये जो पिक्चर है, अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो इस पिक्चर में क्लियरली ये समझ में आ रही कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्राइसिस की सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है। अगर आप PPDT की बात करें तो PPDT में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर, एज, मूड, जेंडर, ये सारी चीजें मेंशन करनी होती हैं विद इन अ बॉक्स, और आपको एक्शन लिखना होता है और उसके बाद अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। TAT की बात करें तो आपको ये जो मैंने आपको बताया बॉक्स वो आपको फिल नहीं करना होता, एक्शन नहीं लिखना होता, आपको सीधे ही अपनी स्टोरी लिखनी होती है। तो अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो इस पिक्चर में समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कोई क्राइसिस की सिचुएशन है, और जो इस 3 में से जो एक कैरेक्टर आपको सामने से दिख रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मूड में लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाली लेडी पे चीख चिल्ला रहा है ना। तो अब देखते हैं कि आप लोगों ने स्टोरीज क्या बनाई हैं। मैंने स्टोरीज पढ़ी हैं बड़ी, कुछ स्टोरीज बहुत अच्छी भी हैं और कुछ बहुत गड़बड़ भी है, बट हाँ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जी, पहली स्टोरी हम लेते हैं आदित्य का। आदित्य की स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, आदित्य ने क्या लिखा है कि आदित्य 19 इयर्स ओल्ड बॉय, ही इज अ 12th पास स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड ए रैंक 1 इन साइंस स्ट्रीम, सो ही गॉट अ चांस टू स्टडी इन फॉरेन कंट्री ऑन स्कॉलरशिप एंड ही वांटेड टू बिकम डॉक्टर। ही टोल्ड दिस ऑल थिंग्स टू हिज पेरेंट्स। हिज मदर डोंट वांटेड हिम टू गो अब्रॉड, बट आफ्टरवर्ड हिज फादर कन्विंस हर, देन आदित्य डिड हिज MBBS एंड बिकम अ वर्ल्ड क्लास डॉक्टर। ओके, अब जो आपकी स्टोरी है डियर, इसमें आप व्हाट लेड टू द सिचुएशन या फिर जो हम पास्ट की बात करें कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। मिसिंग होने का मतलब ये है कि जो पिक्चर है, जो स्टिमुलस है, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। इस पिक्चर में क्लियरली ये दिख रहा है कि जो 3 कैरेक्टर हमने आपको दिखाए हैं जिसमें 2 मेल हैं 1 फीमेल है ना, तो जो एक मेल है और एक जो फीमेल, मतलब जो आमने सामने खड़े हैं, तो जो मेल है वो ऐसा समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा सा गुस्से में है और सामने जो लेडी है वो उसके ऊपर थोड़ा सा चिल्ला रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है। आपने उस चीज को यहाँ पे अवॉइड कर दिया है या नहीं मेंशन किया है, तो आपने क्या किया है, स्टिमुलस को अवॉइड किया है। ये चीज आपको नहीं करना, आपको इस चीज को अपनी स्टोरी में मेंशन करना है। अगर हम दूसरे स्टोरीज पढ़ते हैं हाँ, दूसरी स्टोरी है दाय एडिट का, नाम बड़े अलग से हैं ये। चलो, राम 21 ईयर ओल्ड, राम इज स्टूडेंट ऑफ BSc हु इज परसुइंग BSc फ्रॉम ए नियरेस्ट कॉलेज। अब आपने क्या लिख दिया, राम इज स्टूडेंट ऑफ BSc हु इज परसुइंग BSc, आपने ये चीज 2 बार लिख दी है ना, इसकी जरूरत नहीं है। आप सीधे लिखो राम 21 परसुइंग BSc है ना। आगे क्या है, कॉलेज बट फॉर द हायर एजुकेशन ही वॉन्ट्स टू गो टू सिटी, बट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हिज फैमिली इज नॉट गुड। So one day when he went to his house, he saw his parents discussing about his study and his father is making her mom understand his son will go to city and do his study. Father's okay. अब इस पिक्चर में भी वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि स्टोरी को पॉजिटिव बनाने के चक्कर में आप स्टिमुलस को अवॉइड कर रहे हैं, इस चीज को आपको नहीं करना है। जिस पिक्चर में
ऑलरेडी एक प्रॉब्लम दिखाई गई है, कोई क्राइसिस की सिचुएशन है, वो आप स्किप नहीं कर सकते, आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप सप्रेस नहीं कर सकते, आपको उसको डील करना है। हमने अगर आपको ये सिचुएशन दी है तो साइक को यही देखना है कि आप किस तरीके से एक क्राइसिस की सिचुएशन को, एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को आप कैसे डील कर रहे हैं, क्या आप उसको डील कर पा रहे हैं या फिर आप उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हो या अवॉइड कर रहे हो। तो अभी आप सेम चीज कर रहे हैं कि आप उसको स्किप कर रहे हैं, आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। ओके बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम शिवान का। ओके शिवान ने क्या लिखा, अजीत 23 वर्किंग इन अ एमएनसी लिविंग इन एबीसी अपार्टमेंट। ओके डियर, जो आपने ये एबीसी अपार्टमेंट लिखा है वो आप एक अपार्टमेंट को मेंशन करेंगे, आपको अपनी स्टोरी में स्पेसिफिक होना है, स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है ना। ये एबीसी एक्स वाई जेड जो आप लोग लिखते हैं आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप एक फॉर्मल राइट मतलब एक फॉर्मल राइटिंग है, ये आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखेंगे, एक कंप्लीट अगर आप इंट्रो दे रहे हैं तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आप एबीसी अपार्टमेंट, बहुत लोग एक्स वाई जेड लिख देते हैं, ये चीज आपको नहीं लिखना है, आप किसी भी अपार्टमेंट का नाम लिखेंगे ठीक है। वन डे व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस लेट नाइट जस्ट बिफोर एंटरिंग हिज रूम ही नोटिस हिज नेबर आर्ग्यूइंग अपॉन इन्वेस्टिगेटिंग ही फाउंड आउट अंकल लिविंग इन नेबरहुड हैज ड्रंक। ओके अब ये जो आपने ड्रंक, अच्छा एक दो लोगों ने स्मोकिंग का भी डाला हुआ है, तो आपको अगर कोई पिक्चर मान लो ऐसी दिखी जिसमें कोई परेशानी है, कोई क्राइसिस है जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, तो आपको उस पिक्चर में जो प्रॉब्लम है उसको आप किस तरीके से, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप किस तरीके से उसको लेके जा रहे हैं। आपको बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाना है, आपने ड्रिंकिंग दिखा दी, स्मोकिंग, अभी एक दो लोगों ने स्मोकिंग भी दिखाई, आपको जो चीजें जो सोशल लेवल्स हम बोलते हैं ना, आज भी हमारी सोसाइटी में जो ड्रिंकिंग है या फिर स्मोकिंग है ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जो सोशल लेवल्स है उसको आपको अपनी स्टोरी में मेंशन नहीं करना है अंटिल अनलेस की आपकी स्टोरी में वो चीज क्लियरली दिखाई ना गई हो, है ना। तो आप वो चीज नहीं दिखाएंगे, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको रीराइट करेंगे, कोई और कॉज डाल दीजिए आप, लेकिन ये ड्रिंकिंग आपको अवॉइड करना है ठीक है। मोहित का पढ़ लेते हैं, मोहित ने क्या लिखा है कि मोहित 18 अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट परसुइंग 12th एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट टू नो दैट हिज स्कूल वाज ऑर्गेनाइजिंग इंटर स्कूल वॉलीबॉल कंपटीशन। एज मोहित वाज गुड इन वॉलीबॉल एंड आल्सो पार्ट ऑफ द स्कूल वॉलीबॉल टीम, हिज कोच आस्क्ड द प्लेयर्स ऑफ द टीम टू पार्टिसिपेट, सो इन द इवनिंग ही डिस्कस दिस विद हिज पेरेंट्स। हिज फादर वॉज अ लिटिल वरीड अबाउट हिज एकेडमिक्स बट मोहित अश्योर्ड हिज फादर father to manage his academics, his father was convinced by his assurance. Mohit registered his name and started his practice with other team players in free classes. He did practice of defending at okay. अब जो ये आपकी स्टोरी है, पहली चीज तो वो वरीड नहीं लग रहा है, वो जो पिक्चर है उसमें जो अगर आपने जो मोहित को आपने हीरो बनाया है, जो थर्ड कैरेक्टर है वो थोड़ा सा साइड में खड़ा है, और जो मतलब अगर आप ये फैमिली बना रहे हो तो अगर मैं फैमिली मान के आपको ये सपोज एक फैमिली है, मदर फादर और चाइल्ड, मतलब उसका उनका बच्चा, तो जो फादर है वो उसकी मदर से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, और जो मोहित है मतलब जिसको आपने अपना हीरो बनाया वो साइड में खड़ा है ना, तो कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, दैट मीन्स की आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वो आपको आपकी स्टोरी में मेंशन करना है। आपने इसमें क्या किया है, जो स्टिमुलस है आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, और आपकी जो स्टोरी है वो समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वॉलीबॉल से रिलेटेड है, ऐसा लग रहा है कि जो पिक्चर होगी वो कोई वॉलीबॉल स्टेडियम की या मतलब कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड की लग रही है, तो अवे फ्रॉम स्टिमुलस हम कहते हैं इसको। तो आप जो स्टोरी बनाएंगे वो आपकी, हमने जो आपको पिक्चर दिखाई है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, तो आप इसको चेंज करेंगे। आशु का पढ़ते हैं, क्या लिखा कि रोहन 17 ईयर ओल्ड बॉय ही कंप्लीटेड हिज क्लास 10th एंड वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी थ्रू एनडीए, सो ही टोल्ड हिज पेरेंट्स बट हिज मदर नॉट एग्री विथ हिज डिसीजन बट हिज फादर इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। ओके अब ये है बेटा आपकी स्टोरी जो कि है 3 लाइन में, अगर मैं इसको 6 लाइन मानू तो चलो, अगर मैं आपकी स्टोरी को बोलूं कि आपने सही तरीके से पिक्चर को परसीव किया है,
बट जो पहली चीज है वो ये है कि आपने बहुत कम लिखा है ना, आपकी स्टोरी बहुत छोटी है। दूसरी चीज कि चलो आपने इंट्रो लिखा, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं, आपके एक्शंस नहीं दिख रहे हैं इसमें, है ना। आपको खुद कुछ एक्शन लेना है एज ए हीरो। आप क्या कर रहे हैं, आपके सामने कोई चैलेंज है, आपने उस चैलेंज को कैसे फेस किया, है ना। तो वो चीज आपको अपनी स्टोरी में लिखना है जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो आपको अपने एक्शंस लिखने हैं, और विदाउट एक्शन अगर जो है आपका कंक्लूजन आ जा रहा है, या आप जो चाहते हैं वो गोल आपने अचीव कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं विशफुल स्टोरी। तो आपको एक्शन लेना ही लेना है। आप किस तरीके से, सपोज इसे अगर आपके ही इसी स्टोरी की बात करूं कि जो है आप एनडीए जाना चाहते हैं, और आपके जो पेरेंट्स हैं, आपने अपने पेरेंट्स को बताया, बट जो आपकी मदर हैं वो एग्री नहीं करती हैं आपके इस डिसीजन पे, और जो आपके फादर हैं वो इस चीज को समझते हैं, और उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया, वो मान गई। तो थोड़ा सा और ज्यादा मतलब इसमें, क्योंकि इसमें जो काम किया वो किसने किया है, एक्शन किसने लिया है, मतलब वो कन्विंसिंग पावर आपके फादर के अंदर है। दैट मीन्स कि आप कन्विंस नहीं कर पाए। हीरो कौन है, आप है, रोहन 17-year-old बॉय है ना, वो हीरो है। तो आपको एक्शन लेना है क्योंकि तो आपकी लाइफ है, आप हीरो हैं, तो आप एक्शन लेंगे। और अगर आपको आपकी मदर को कन्विंस करना है तो आप कन्विंस करेंगे, है ना। बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जो पिक्चर है उससे भी स्लाइटली दूर हो रहे हैं, है ना। तो आप अपनी स्टोरी पे थोड़ा सा काम करेंगे। आगे हम बात करते हैं, पढ़ते हैं राजीव की। ओके, राजवीर। राजवीर ने लिखा है कि इन दिस पिक्चर देर आर थ्री कैरेक्टर। वन इज विक्रम 18-year-old बॉय एंड हिज फादर श्याम लाल जी एंड हिज मदर राधा देवी। ओके, मैंने आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, मतलब स्टोरी रीड करने से पहले, कि जब भी आप पीपीटीटी के लिए स्टोरी लिखेंगे, तो जैसे कि आपको टीएटी में 4 मिनट मिलता है, पीपीटीटी में आपके पास 5 मिनट होता है, और पीपीटीटी में आपको एक बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर यू हैव सीन इन द पिक्चर, देयर एज, मूड एंड जेंडर, वो आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। और मेंशन करने के बाद आप एक्शन, एक्शन मतलब कि जो थीम है, थीम ऑफ द स्टोरी, वो आपको लिखना है। उसके बाद आपने स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। तो आई थिंक राजवीर ने टीएटी नहीं, पीपीडीटी की स्टोरी ही लिखी है ये, इसलिए इन्होंने ऐसे लिखा है। तो हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं। इन दिस पिक्चर देर आर थ्री कैरेक्टर। वन इज विक्रम 18-year-old बॉय एंड हिज फादर श्यामलाल जी एंड हिज मदर राधा देवी। विक्रम कंप्लीट हिज सेकेंडरी एजुकेशन एंड सिक्योर 93% इन 12th क्लास। ही वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट हिज फादर टोल्ड हर वाइफ दैट ही इज नॉट गोइंग एनी वेयर एंड हेल्प मी हियर इन माई वर्क। ओके, दिस इज इनकम्प्लीट स्टोरी। आपने क्या कर दिया है, आपने उस पिक्चर को डिस्क्राइब कर दिया है। हमने जो आपको एक पिक्चर दी है, आपने उसको डिस्क्राइब किया है, तो आपको पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है। मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, या फिर दूसरे तरीके से समझिए तो इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, है ना। जो हमने आपको पिक्चर दिखाई, आप इंट्रो बताएंगे हीरो का, फिर आप मेन बॉडी, मेन बॉडी में आपका एक्शन आ जाएगा, और फिर आप में लास्ट में आपको कंक्लूजन या आउटकम बताना है, ठीक है। तो आप इसको दोबारा से लिखेंगे। दीपेंद्र सिंह का पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है कि द स्टोरी हैज थ्री कैरेक्टर्स। घनश्याम इज 49 ईयर, फादर ऑफ राजू इज 21 एंड राजूज मदर सुमित्रा देवी। ओके, टुडे व्हेन राजू केम बैक फ्रॉम हिज कॉलेज, ही सॉ हिज मदर एंड फादर हैविंग अ फनी आर्गुमेंट व्हाट टू कुक पनीर और पीज। हिज मदर वॉज पुटिंग सम गुड पॉइंट लाइक पीज इज चीप एंड ऑलरेडी अवेलेबल एट होम एंड हिज फादर डिडंट वॉन्टेड टू ईट पीज। ओके, अब ये जो मैं आपकी स्टोरी पूरी पढ़ भी नहीं रही हूँ, आपने यहाँ पे जो लिख दिया है फनी आर्गुमेंट, बेटा ये फनी नहीं था, है ना। आप अगर उस कैरेक्टर का मूड देखेंगे तो वो फनी नहीं था। इसको हम क्या कहते हैं कि आप अपनी स्टोरी को पॉजिटिव बनाने के चक्कर में जो स्टिमुलस है आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। अगर आप यहाँ लिखते कि आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो यस इट कैन बी, है ना भाई। एक कपल के बीच में आर्गुमेंट हो सकता है, और जब हम आपको पिक्चर में ही दिखा रहे हैं कि एक आर्गुमेंट का ही सीन है, आर्ग्यू कर मतलब सामने वाला बंदा चिल्ला रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप उसको मेंशन करेंगे, और एज ए हीरो, क्योंकि अब जो बंदा चिल्ला रहा है वो हीरो तो नहीं हो सकता, है ना। हीरो कौन हो सकता है, या तो वो लेडी हो सकती है, या फिर
जो थर्ड पर्सन है, तो मोस्टली 99% लोग या 95% लोग जो थर्ड कैरेक्टर है जो कि साइड में खड़ा है उसको हीरो बनाएंगे, है ना। वो आपका नेबर भी हो सकता है, एक कपल भी हो सकता है। अब ये आपकी इमेजिनेशन है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपके एक्सपीरियंसेस है कि आप किसको हीरो बनाते हैं और क्यों बनाते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। तो आप जिसको हीरो बना रहे हैं उससे कुछ एक्शन होने चाहिए, उसका आउटकम निकल के आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फनी आर्गुमेंट है ये आप चेंज करेंगे, वहां कुछ फन नहीं चल रहा, वहां सच में आर्गुमेंट हो रहा है ना। हमारी क्लास 245, ओके, हेलो जी। हाँ, इन दिस पिक्चर देर आर थ्री कैरेक्टर्स, वन फीमेल ऑफ अबाउट 42 ईयर, मैन ऑफ अबाउट 45 एंड बॉय ऑफ 18, ऑल आर इन पॉजिटिव मूड। नो डियर, सारे पॉजिटिव मूड में नहीं है, तो आपने एक गलती तो यही कर दी है ना। न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव वहां पे कोई नहीं लग रहा बेटा। आकाश इज 18 ईयर, हु वाज ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर सर्विंग हिज नेशन व्हाइल एंजॉयिंग हिज वर्क। ही डिसाइडेड टू अपीयर फॉर हिज एनडीए एग्जामिनेशन, बट व्हेन ही डिस्कस्ड इट विद हिज पेरेंट्स, हिज मदर अपोज दिस आइडिया एंड फियर दैट हिज ही माइट हार्म हिमसेल्फ इन द ट्रेनिंग एंड प्रोफेशन। ऑन हियरिंग दिस आकाश फादर अश्योर्ड हर that how joining that armed forces will help him to become a man who can face any challenges in life with a positive attitude. He further tell her about the different perks of army and the financial stability that comes from it. While serving the nation, she understand this and give up permission and blessing for future. Okay, good. ठीक है, good story. अब पढ़ते हैं ईशा, ईशा का, ईशा ठाकुर क्या लिखा है कि राजेश 30 वर्किंग एज आयुर्वेदिक डॉक्टर लिविंग इन, ओके बेटा मैंने अभी इसके पहले ही बताया था कि आप एक आप स्पेसिफाई करेंगे, आप कोई कॉलोनी डाल रहे हैं तो आप ए बी सी एक्स वाई जेड या डब्ल्यू वाई जेड नहीं लिखेंगे, आप स्पेसिफाई करेंगे, ओके okay, फिर आगे पढ़ते हैं। वन डे व्हेन ही वाज पासिंग बाय फाउंड आउट ए यंग ऑफिस बॉय हु वॉज फेंटेड ऑन द रोड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, सो ही ब्रिंग द यंग बॉय विद, ओके। अब जो ईशा आपने बेटा जो आपने स्टोरी लिखी है, आप बिल्कुल ही स्टिमुलस को अवॉइड कर रहे हैं। ये जो पिक्चर है यहाँ पे तीन कैरेक्टर दिए हुए हैं और आप क्या स्टोरी बना रहे हैं कि आप जो है मतलब कोई जो आपका हीरो है वो रास्ते से जा रहा है और उसने जो है किसी को फेंटेड देखा कि कोई रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ है और वो उसको अपने साथ लेके आया, है ना। तो ये जो है आप बिल्कुल लीड से अलग हटके आपने स्टोरी बनाई है, तो आप इसको चेंज करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कुछ कुछ कैंडिडेट्स के साथ कि वो पता नहीं मतलब पिक्चर कुछ और होती है, स्टोरी कुछ और बनाते हैं। सेम ईशा ने किया है कि हमने पिक्चर कुछ और दिखाई है और आपकी जो स्टोरी है वो कहीं और ही जा रही है, मेन लीड से हटके जा रही है बच्चे, तो इसको आप चेंज करेंगे, ठीक है। संस्कृति का देखते हैं क्या है। संस्कृति ने लिखा है कि कुणाल 25 ईयर, कुणाल फादर 55 ईयर एंड कुणाल मदर न्यूट्रल 50 ईयर ओल्ड, ओके। द हीरो ऑफ माय स्टोरी इज कुणाल। कुणाल कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग विद फ्लाइंग कलर्स एंड वाज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक अ स्टेप अहेड इन करियर बाय जॉइनिंग द आर्म फोर्सेस। व्हेन ही डिस्कस्ड दिस थॉट विद हिज पेरेंट्स, हिज फादर इमीडिएटली सेड नो इन एंगर एज ही वांटेड हिम टू pursue a simple 9-to-5 job in any company, but it was Kunal's determination and commitment toward his goal that he firmly told to his father that he will surely be an army officer, as Kunal since his school days were very sporty, had always leaded many events and was courageous. When Kunal's mother listened Kunal's thoughts, she also tried to convince Kunal's father. After long discussion, finally Kunal's father agreed to Kunal's decision. Few years later, Kunal became a very brave and bold soldier who participated in various wars. Eventually, Kunal was facilitated with bravery award, which made his parents very proud. Okay, ठीक है. This story is good. Okay, soldier boy ने क्या लिखा है कि sorry if I am not able to arrange it properly. I am new to this. Okay, thank you. आपने एफर्ट्स किया, ये बहुत बड़ी चीज है। क्या लिखा है, मिस्टर आर्यन 24 वाज शॉपिंग एट अ बाजार आफ्टर ऑफिस आवर व्हेन अ बाइक
और कार, बेटा आप इस चीज में से कोई एक ही चीज लिखेंगे, है ना? अगर आप बाइक लिख रहे हैं तो बाइक लिखेंगे, कार लिख रहे हैं तो काई का आप स्लैश करके नहीं लिखेंगे. एक्सीडेंटली वेंट थ्रू अ पॉट होल फुल ऑफ मडी वॉटर एंड हिज अपर पोर्शन वॉज बैडली कवर्ड इन मड. मिस्टर अवस्थी वॉज ऑल्सो नियर बाई एंड ऑफर्ड इन टू शॉल टू. ओके बच्चे, आपने ये जो स्टोरी लिखी है वो पिक्चर से रिलेटेड नहीं है, है ना? योर स्टोरी इज नॉट रिलेटेड टू पिक्चर वी हैव शोन. तो ये जो आपकी स्टोरी है वो स्टिमुलस अवॉइडेड है, तो आप इसको दोबारा लिखेंगे. आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और आप जो स्टोरी बनाएंगे तो आपकी स्टोरी उस पिक्चर से रिलेटेड होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द होनी चाहिए. ठीक है, अभिषेक का पढ़ लेते हैं. क्या लिखा है अभिषेक ने? अर्श इज 18 ईयर ओल्ड बॉय हु इज फ्रॉम द कंट्री साइड विलेज नेम्ड. His father is dependent on farming and is a very hard working farmer. He always tried to give every facility to Arsh, but sometimes was unable to bring things which Arsh asked due to lack of money. थोड़ा सा ये जो आपने लिखा है lack of money या फिर poor family, इन चीजों को हम कहते हैं साइक में कि आपको अवॉइड करना है. अवॉइड क्यों करना है? ये लो सेल्फ स्टीम दिखाता है ना. तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि हम बोलते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, बहुत जगह आपने पढ़ा हुआ भी, मतलब पढ़ा भी होगा कि नेगेटिविटी को नहीं दिखाना है बहुत ज्यादा. नेगेटिविटी को नहीं दिखाने का मतलब ये है कि खुद को गड्ढे में नहीं डालना है, है ना? खुद को भी बहुत नीचा नहीं दिखाना है या दूसरों को नहीं दिखाना है. तो अगर आप ये दिखा रहे हैं कि आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है या आपको बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिली, आप बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं आप सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, या जो आपका सेल्फ स्टीम है वो बहुत लो है, आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है. हाँ, सौरभ का क्या है, पढ़ते हैं. सौरभ 22 ईयर ओल्ड बॉय हैज बीन सेलेक्टेड इन आर्मी थ्रू सीटीएस एंड गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर. व्हेन ही गेट दिस न्यूज ही टोल्ड हिज फादर एंड हिज फादर इज वेरी हैप्पी एंड हिज मदर आस्क्ड अबाउट हैप्पीनेस. ओके, अब ये जो स्टोरी है, अगेन स्टिमुलस अवॉइडेड. कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो उसमें जो फादर है, क्योंकि आपकी स्टोरी से ये लग रहा है कि आपने उसको एक फैमिली बनाया है ना, एक फैमिली पिक्चर है वो, कि मदर फादर है और जो साइड में है वो उनका बेटा है. तो आपने इसमें क्या लिखा है कि he get this news and he told his father and his father is very happy. उनके जो फादर है, मतलब जो आपका हीरो है सौरभ, उसके जो फादर है, हीरो इज यू एक्चुअली, तो वो बहुत खुश नहीं है, है ना? वो नेगेटिव जो मूड है वो नेगेटिव है, वो गुस्से में है बेटा. तो आपने जो लिखा है ये गलत लिखा है, आपने गलत परसीव किया है, या आपने सिचुएशन को अवॉइड किया है, स्किप किया है. तो ये सही अप्रोच नहीं है. जो हमने आपको पिक्चर में दिखाया है आपको उसी को परसीव करके अपनी स्टोरी को लिखना है. प्रणव ने क्या लिखा है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फॉर्मेट बट हियर गोज माय स्टोरी. ओके, इन दिस पिक्चर देयर आर थ्री कैरेक्टर, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम सेम फैमिली. ओके, मैंने अभी बताया था कि जब आप पीपीडीटी की स्टोरी लिखेंगे तो आप यहाँ तो नहीं बता सकते ऑब्वियसली, बॉक्स में जब आप लिखेंगे तो आप एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स ऑलरेडी बना होता है, उसमें आप नंबर ऑफ कैरेक्टर की, मतलब कि आपने इस पिक्चर में कितने देखे, तो आपने 3 देखे, देयर एज, मूड एंड जेंडर, ये आपने लिखना है और फिर आपने स्टोरी लिखना शुरू करेंगे. तो आपने क्या लिखा है कि द बॉय स्टैंडिंग इज देयर सन, ही इज इन क्लास 12 एंड हैड गोन टू स्कूल ऑन यूजुअल डे बट ही गॉट वेरी लेट इन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. व्हेन ही केम ही सॉ हिज पेरेंट्स वेरी टेंस अबाउट हिम ऑन सीइंग देम. ही फर्स्ट मेड देम काम एंड टोल्ड ही टोल्ड देम दैट व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही सॉ अ स्ट्रे डॉग was heavily injured, so he along with his friend took him to the animal hospital. Okay, अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं, अगेन आप आए, आपने देखा कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो टेंस्ड हैं, है ना? आप इसको ये भी कर सकते थे कि वो आपस में किसी चीज को लेके डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा था. वो क्यों था? आपने उसको सॉर्ट आउट किया, आपने प्रॉब्लम जानी और आपने उसको सॉर्ट आउट किया, तो आपकी स्टोरी सही थी, लेकिन आपने उस स्टोरी में एक और स्टोरी को इंक्लूड कर दिया है. ठीक है, तो ये आपने नहीं करना है. आपकी स्टोरी कहीं से कहीं चली गई बेटा, तो ये आप चेंज करेंगे.
अनिरुद्ध का पढ़ते हैं, क्या है अनिरुद्ध ने क्या लिखा है। सुनील इज अ 24-year-old यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट, ही लिव्स इन मुखर्जी नगर इन न्यू दिल्ली। वन फाइन इवनिंग डे आफ्टर हिज थर्ड अटेम्प्ट प्रीलिम्स रिजल्ट ही विजिट हिज पेरेंट्स इन विलेज इन हरियाणा। हिज फादर हरि प्रसाद वर्क एज अ क्लर्क इन द लोकल पोस्ट ऑफिस। ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इम्पेशेंट। Upon being informed by Sunil about his failure in the third attempt, he gets restless and take out his anger on Sunil's mother. Sunil, who watches this in the background, calmly take over the situation and comfort his father by saying that he has also applied for the post of a front office manager in a reputed hotel alongside his preparation. He had the idea of a backup plan since his first time attempt. He informed his father that he gets a good salary, hence his father is relaxed and they continue with their evening at the community dinner in the village. Sunil frustrated within acted patiently and sensibly. Okay beta, ye jo frustrated likha hai ये आप चेंज करेंगे, और दूसरा आप अपनी स्टोरी में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसको रीफ्रेम कर लेंगे, तो जो आपकी स्टोरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। चेंजेस क्या है कि आपने अपना ही फेलियर दिखा दिया है ना, दो या तीन बार। तो मेरी सजेशन है कि आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। बाकी आपने सही तरीके से स्टोरी को अप्रोच किया है, सही लिखा है, गुड। क्या लिखा है अनी ने, अनी यशी। ओके, इन दिस स्टोरी ओल्ड मैन इज स्कॉल्डिंग हर वाइफ फॉर मेकिंग हिज सन इंडल्ज इन बैड एक्टिविटीज। बच्चे क्या लिख रहे हो आप खुद सोचो। जो आप साइक में स्टोरी लिखते हैं वो आप अपने बारे में बताते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टीएटी है दैट इज प्योरली अनकॉन्सियस माइंड है ना, आप अपने अनकॉन्सियस माइंड को एक स्टोरी के फॉर्म में बता रहे हैं। तो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं या आप जो सोचते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो निकल के आता है आपके टीएटी की स्टोरीज में। तो आप इसमें क्या लिख रहे हैं कि इन दिस स्टोरी ओल्ड मैन इज कॉल्डिंग हर वाइफ फॉर मेकिंग हिज सन इंडल्ज इन बैड एक्टिविटीज इन अ बैड कंपनी। ओके, आप खुद बताओ कि ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को किसी भी बुरी संगत में या गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेगी। नहीं, अगर आप ये लिख रहे हो तो आप सोचो आप क्या कन्वे कर रहे हैं साइड तक, है ना। तो आपको ये चीजें अपनी स्टोरीज में नहीं लिखनी है, आप सोचो इस चीज पे। और दूसरी चीज की आपने स्टोरी भी कंप्लीट नहीं की है, तो आपने सिर्फ उसको दो लाइन में लिख दिया है, तो ये आपका जो अप्रोच है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है बेटा। क्योंकि आपकी जो पहली लाइन है बहुत ही हॉरिबल है ये, और ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी की जो मदर है या किसी के मदर फादर कोई भी अपने ही बच्चे को किसी बुरी संगत में फंसाएं या गलत चीजों में इंडल्ज करें। हमेशा माँ बाप अपने बच्चों को बचाते ही है ना बुरी चीजों से। तो ये आपको चेंज करना है, ये थॉट प्रोसेस रखना नहीं है। यूजर जी का पढ़ते हैं, नाम तो क्या ही लिखा इन्होंने, यूजर XU8T। ओके, क्या स्टोरी है कि पिक्चर कंसिस्ट थ्री मेंबर ऑफ फैमिली, फादर मदर एंड देयर सन नेम तुषार 24. Okay. He is the only boy of his family and he recently joined a decent paying job in an urban area. As his interest in cricket, he decided to quit his job and follow his passion. His manager and other employees encouraged him to do that. When he returned to his home, which is in rural area, he approached his parents. His father was not happy as the financial condition of the family was not that stable, but he still believed in his talent. Okay. अब इसमें एक तो आपने जो financial condition डाला है, ये मेरी suggestion है कि आप इसको avoid करेंगे, low self esteem again. और दूसरी चीज कि आपने stimulus avoid किया है बच्चे। हमने जो आपको picture में दिखाया है वो crisis की situation, वो आपने कहीं दिखाया ही नहीं। आपने बोल मतलब आपकी story में है, mother तो आपकी story में कहीं आई नहीं है, अपने फादर फादर को लिया है। जब भी आप अपनी स्टोरी में जितने कैरेक्टर आपको क्लियरली विजिबल है, अगर एक क्लियर पिक्चर है और क्लियरली आपको जो कैरेक्टर है वो विजिबल है, तो आपको हर एक कैरेक्टर को अपनी स्टोरी में इंक्लूड करना है ना, और उनका जो रोल है वो दिखाना है। तो ये जो आपकी स्टोरी है वो स्टिमुलस अवॉइडेड वाली कैटेगरी में आ गई, आप इसको दोबारा से लिखेंगे। गगन
गगन जी ने क्या लिखा है कि अरमान 21 ईयर ओल्ड फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट केम टू हिज हाउस विद क्लोथ क्लोथ ऑन हिज बॉडी व्हेन आस्क्ड अबाउट इट ही टोल्ड ही माइंडली गॉट सम बर्न्स हिज फादर आस्क्ड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देन ही टोल्ड दैट ऑन हिज वे टू होम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स होम ही वन लेडी सारी कैच फायर इन मार्केट ही रश देयर एंड ट्राई टू पुट वाटर ऑन इट बट विद इन दिस ही ऑल्सो गॉट a few burn his father was a bit angry but he convinced him that he did that to save her father told that he understand but he should also take care of him while helping others he understood and okay ab ye jo story hai aap ek to dusre direction mein chale gaye hain hai na already is picture mein ek problem dikhai gayi thi ek crisis thi aur aapne kahin aag lagwa di aur kisi ko bachane chale gaye theek hai dusri cheez ki जो बातचीत हो रही है इस पिक्चर में वो जो वन टू वन कन्फ्रंट है आपस में वो कौन है अगर आप इनको फैमिली मान रहे हैं तो मदर फादर जो फादर है वो मदर से बात कर रहे हैं और मदर के ऊपर थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं चीख रहे हैं या चिल्ला रहे हैं है ना जो बेटा है वो साइड में खड़ा है और आपकी स्टोरी में मदर का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया है आपने वो जो फादर है और जो उनका सन है उसको लेके आपने स्टोरी बना दी है तो ये स्टोरी सही नहीं है ये तरीका है ये जो अप्रोच है वो आपकी सही नहीं है ठीक है और पढ़ते हैं हरबचन ने क्या लिखा है कि हरी इज 19 ईयर ही केम हिज हाउस आफ्टर गॉट रिकमेंडेड इन एनडीए एंड रीच ऑन नाइट देन हिज फादर सो प्राउड एंड फादर ओके एक तो बहुत ही छोटी स्टोरी है इनकम्प्लीट स्टोरी है दूसरी चीज कि कोई एक्शन नहीं है कुछ नहीं है और अगेन हवा हवाई बना दिया है जो हमने आपको पिक्चर में दिखाया है वो तो यहाँ पे है ही नहीं है ना कहीं फादर प्राउड नहीं कर रहे हैं बेटा उस पिक्चर में फादर गुस्से में है ना कहाँ हो मतलब फादर ने बोला आग जला दो क्योंकि विंटर सीजन है बच्चे स्टोरी आपको जो पिक्चर दी हुई है उससे रिलेटेड लिखनी है ठीक है आदित्य का पढ़ते हैं सॉरी भैया हिंदी में है ओके एक और इम्पोर्टेंट चीज बेटा देखो हिंदी लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इन एसएसबी और इन डिफेंस सर्विसेज जो आपकी लैंग्वेज हो रहेगी जो लैंग्वेज होगी दैट इज इंग्लिश हाँ आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आप कहीं अटक रहे हैं अपनी स्टोरी आप जब लिख रहे हैं तो आप कहीं अटक रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस पर्टिकुलर जो वर्ड है उसकी हिंदी इंग्लिश क्या होगी तो वहाँ पे आप हिंदी के वर्ड्स लिख सकते हैं कहीं आप लिखते लिखते कहीं स्टक हो जा रहे हो नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब हिंदी का यूज कर सकते हैं बट आपको जितनी जल्दी हो सके आपको वापस से जो है इंग्लिश पे रिटर्न होना होता है ना तो इस चीज में तो आपको मेहनत करनी है थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और आपको जो अपनी स्टोरी है वो इंग्लिश में ही लिखनी है हिंदी में एक्सेप्टेबल नहीं है तो इस पे काम करो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर और बहुत ज्यादा उससे आपको हेल्प मिलेगी तो मैं पढ़ तो लेती हूँ आपकी स्टोरी बट हाँ आपको मेहनत करनी है और इंग्लिश में ही लिखना है बच्चे इंग्लिश में ही एक्सेप्टेबल है हिंदी लैंग्वेज जो है वो डिफेंस के लिए नहीं है एक्सेप्ट नहीं की जाती है समहाउ अगर थोड़ी बहुत अगर आपने कहीं यूज किया है तो वो चलेगा लेकिन कम्प्लीटली अगर आपने हिंदी में लिखा है तो वो नहीं चलेगा एक 18 साल जम्मू का लड़का आदित्य जिसे 12th में जी बेटा इसमें भी जैसे आपने स्टिमुलस अवॉइड कर रखा है ना जो हमने आपको पिक्चर दिखाई है आपकी स्टोरी उससे रिलेटेड नहीं है तो आप पहली चीज तो अपने थोड़ा सा मेहनत करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं डेली प्रैक्टिस करो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो टूटी फूटी इंग्लिश से भी शुरू करोगे तो आप अच्छा कर लोगे और स्टोरीज पे काम करना शुरू करो ये स्टोरी आपकी सही नहीं है ओली बूट्स का पढ़ते हैं ओली बूट्स ने क्या लिखा कि राघव 22 ईयर ओल्ड इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन एमएनसी कंपनी इन नोएडा He had completed his education in a village. After completing his engineering, he has been selected as a trainee and now been promoted. And now he wanted to live with his parents and spend more time with them. His parents had denied that they couldn't live in
सिटी एज दे आर मोर कनेक्टेड टू विलेज फॉर्म एंड एनिमल्स. आफ्टर लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन टैगोर डिसाइडेड टू लेट देम लिव इन द विलेज एंड स्पेंड टाइम विद देम ऑन वीकेंड्स. ठीक है, एक्सेप्टेबल. याला पंजाबी ने क्या लिखा है, अरपी 23 परसुइंग एम बी बी ए फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी. ही इज इंटरेस्टेड इन हिज फादर्स डीजे बिजनेस. ही वॉन्ट्स टू कंट्रीब्यूट एंड हेल्प हिज फादर टू स्केल इट, बट हिज फादर वॉन्ट्स हिम टू फोकस ऑन स्टडीज एंड कीप अवे फ्रॉम दिस. After seeing his father's reaction, Arpit convinced his father that he will give full efforts in study, but he wants to help and his studies won't get affected by this. So he made social media page. Okay, बेटा अगेन जो है इसमें अभी फ्रॉम स्टिमुलस है ना, उस पिक्चर में जो फादर है वो आपकी मदर से बात कर रहे हैं या मदर से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज आपने इसमें नहीं लाई है, उसको अवॉइड किया है. तो आपने स्टोरी में दोबारा से इसको लिखेंगे और उस चीज को सही तरीके से अप्रोच करेंगे. सिमरत के लिए एक मैसेज है कि सिमरत सर यू शुड अपलोड पिक्चर डेली फॉर आवर इम्प्रूवमेंट. ओके सिमरत विल लुक इन टू दिस. मेहुल 18 recently completed his class 12th, was selected for Cambridge University, but his father denied to go up abroad. Seeing this, he approached his mother, told about the courage, told about the course and benefits. His mother explaining things to his father, and his father finally agreed for the course and he finally went and studied well. बहुत ही छोटी story है और action बहुत ही कम है इसमें, और hero का तो कोई action है ही नहीं, जो काम कर रही है mother कर रही है, तो mother को ही बना देते hero, है ना? ये भी हो सकता था. तो एक्शन इज रिक्वायर्ड प्लस स्पेसिफिकेशंस. बहुत ही छोटी सी स्टोरी है और हीरो का कोई एक्शन नहीं है, हीरो को एक्शन लेना है. और इसमें सारे एक्शन कौन ले रहा है? मम्मी ले रही है, मम्मी समझा रही है, तो मम्मी को हीरो बनाओ. ठीक है, शिवम कुमार ने क्या लिखा है कि शिवम इज 21 ईयर ओल्ड बॉय हु पास एंट्रेंस एग्जाम ऑफ सीडीएस एंड सीक ब्लेसिंग ऑफ हिज पेरेंट्स फॉर सक्सेस इन द एसएसबी. सुमन 55 ईयर ओल्ड एंड किरण 52 ईयर ओल्ड डिस्कसिंग एंड रिमेम्बरिंग हिज सन शिवम क्वालिटीज एंड बदमाशी एंड गिव सम सजेशन. बेटा कुछ एक्शन नहीं है इसमें, है ना? ऐसा लग रहा है नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं इसमें. तो स्टोरी आप दोबारा लिखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे. अभय ने क्या लिखा है कि इन दिस पिक्चर देर आर थ्री कैरेक्टर राहुल सीमा एंड रोहित, एज आर 25 रिस्पेक्टिवली. राहुल वर्क इन अ फैक्ट्री एंड सीमा डूइंग ऑन बिजनेस इन आगरा. रोहित इज प्रॉपर्टी डीलर एंड गिव रूम ऑन रेंट. राहुल एंड सीमा हु इज हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग हार्ड फॉर पेइंग रेंट ऑफ हाउस एंड फुलफिल देयर नीड्स, बट वन डे फॉर सम रीजन दे आर लेट फॉर पेइंग रेंट ऑफ हाउस. सो रोहित केम टू their room and give last date of paying rent. Rahul start part time job for more money to pay the rent and his. पहली चीज तो बड़ी ही confusing story है आपकी, अब है बहुत ही confuse करने वाला है. जब भी आप कोई picture देखेंगे तो जो आपका hero है सिर्फ उसको आप mention कर दें by his or her name, बाकी लोगों को आप मतलब नाम के साथ मेंशन मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है साइक के लिए समझना और पढ़ना. दूसरी चीज की जो पिक्चर है आपकी स्टोरी उससे रिलेटेड नहीं लग रही है, तो आप स्टिमुलस को अवॉइड कर रहे हैं. अब दोबारा से अपनी स्टोरी लिखेंगे और जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है आपकी स्टोरी उससे रिलेटेड होनी चाहिए. अर्चित पढ़ते हैं, अर्चित शर्मा का. द स्टोरी इज अबाउट द 19 ईयर ओल्ड बॉय नेम्ड अभय हु लिव्ड इन अ विलेज विथ हिज फादर एंड मदर. दे लिव्ड इन अ वेरी पुअर कंडीशन, अगेन लो सेल्फ स्टीम. कहीं नहीं दिख रहा कि वो पुअर कंडीशन में रह रहे हैं, तो आप क्यों इस चीज को मतलब आप क्यों इस तरीके से आप सोच रहे हैं? आप अपना माइंडसेट दिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा है. आगे क्या है, हिज फादर यूज टू वर्क इन फील्ड ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू अर्न देयर ब्रेड एज ही डू नॉट हैव हिज ओन फील्ड टू वर्क इन
बेटा ये जो आप इंट्रो दे रहे हैं इसकी नीड नहीं है, कहीं भी उस पिक्चर में दिखाया नहीं गया है ना। तो आप तो जो शुरुआत है, जो इंट्रो है, वही गलत है, इसको आप चेंज करेंगे बच्चे। शिवम सिंह का पढ़ते हैं। शुभम 21 ईयर कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, वॉन्ट टू डू एमबीए फ्रॉम जर्मनी। हिज फादर वॉन्टेड टू डू जॉब, हिज फादर वॉन्टेड हिम टू डू अ जॉब। ही फोर्सेज हिम अर्न मनी एंड बी इन योर ओन कंट्री। सो वन डे शुभम विथ हिज पेरेंट डिस्कस अबाउट लाइफ। ही विल हैव हैंडसम सैलरी, बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड सिक्योर फ्यूचर, एंड ऑन द बेसिक बेसिक ऑफ हिज रिजल्ट बेसिस बेसिस ऑफ हिज रिजल्ट, बेसिक नहीं है बेटा, बेसिस है। ही विल गेट स्कॉलरशिप व्हाट जर्मनी ऑफर, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री विल कम बैक टू इंडिया। देन देयर पेरेंट्स एग्रीड एंड हेल्प हिम टू गेट ऑल शॉर्ट लिस्ट ऑफ कॉलेज अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। फाइनल ही डू हिज एमबीए फ्रॉम फाइनली। थोड़ा सा बच्चे ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपकी स्टोरीज में, उसको आप सही करेंगे। प्लस मतलब बहुत ही जनरल स्टोरी है, रूटीन स्टोरी है, और वो डिस्कस नहीं कर रहे थे। अगेन मैं आपको बताऊं, मतलब वो डिस्कशन आप खुद सोचो कि जब हम घर में कुछ डिस्कस करते हैं तो जो सिनेरियो होता है वो कैसा होता है, और जब आप कोई हीटेड आर्गुमेंट या सामने वाला थोड़ा गुस्से में है, जो उसके आप हाथों का जेस्ट है, मतलब हैंड्स के मूवमेंट देखो, जेस्टर्स देखो, फेसियल जो एक्सप्रेशन है, जेस्टर्स है, ये सारी चीजों को देख के आप अपनी स्टोरी को बनाएंगे, है ना। तो आप इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप अवॉइड करें तो आपकी जो स्टोरी है वो सही नहीं जा रही है। ठीक है, मिस्टर अंश का पढ़ते हैं। आई परसीव थ्री कैरेक्टर। माई मेन कैरेक्टर इज अमन, हु इज 18 ईयर ओल्ड बॉय अटेंडिंग हिज स्कूल फ्रॉम बैंगलोर। इन हिज फैमिली ही करंट सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल। अगेन लो सेल्फ स्टीम, देर नॉट फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस। बेटा ये आपने स्टोरी सही नहीं लिखी है। लो सेल्फ स्टीम है बच्चे, और दूसरी चीज आपने, अभी आप क्लास 9th में है, ओके और दूसरी चीज ये है कि आपको हमने जो पिक्चर दिखाई है आपकी स्टोरी उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप 9th में हैं। तो अभी आपके पास 9th और 10th पे फोकस करो फिलहाल, तो अपने बोर्ड्स पे, है ना। हाँ कृष्ण भदौरिया क्या लिखा है, द बॉय एंड वुमन 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 आर डांसिंग एंड थर्ड पर्सन केम टू डांस विद हिम। वाओ सही है, सही थॉट प्रोसेस और ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है आपकी, है ना कृष्ण। कितना सही ऑब्जर्व किया आपने, कि डिटेल्स को देखा है, और आपकी अप्रोच अच्छी है, वेरी गुड। मल्टीपर्पस ओके क्या है, सॉरी स्टोरी स्टार्ट्स वेयर देयर इज अ बॉय नेम्ड। सॉरी लिखने की क्या जरूरत है, सॉरी से नहीं स्टार्ट करना आपको अपनी स्टोरी, है ना। वेयर देयर इज अ बॉय नेम्ड शुभ। शुभ ही इज 16 ईयर ओल्ड एंड ही जस्ट पास हिज 10th क्लास एंड नाउ ही हैज टू चूज व्हाट एंड व्हाट ही वांट्स टू डू इन लाइफ सो दैट ही कैन चूज द स्ट्रीम और सब्जेक्ट ऑफ क्लास 11th एंड 12th। सो ही वेंट टू स्कूल विद सम ऑफ हिज फ्रेंड एंड ही चूज ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट। ही केम बैक होम एंड हिज फादर आस्क्ड व्हाट सब्जेक्ट ही चूज एंड देन ही सेड ह्यूमैनिटी सडनली। ओहो ओके। अब ये जो लास्ट वाली स्टोरी है वो अगेन जो है स्टिमुलस अवॉइडेड है। ऐसा लग रहा है कि जो आपने स्टोरी लिखी है उससे, मतलब अगर आप एक इसको पढ़ के मैं एक इमेज फॉर्म करूं अपने माइंड में कि क्या पिक्चर रही होगी, तो आपने ये स्टोरी बनाई है, जैसे लग रहा है कोई स्कूल का सीन है, या दो तीन जो दोस्त यार हैं वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, मतलब कुछ अलग टाइप की जो पिक्चर है वो फॉर्म हो रही है ना। जैसा कि आपने लिखा है कि जो 16 साल का बच्चा है ही जस्ट पास इज 10th क्लास, उसको अभी सब्जेक्ट चूज करना है, तो अपने स्कूल गया है ना कि क्लास 11th 12th में उसको क्या लेना है, और उसने ह्यूमैनिटीज, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्कूल का सीन है, या वो किसी से डिस्कस कर रहा है। हमने जो आपको इस पिक्चर में दिखाया है, कहीं से भी आपकी स्टोरी जो है उससे रिलेटेड नहीं है, तो
आप जो भी स्टोरी लिखेंगे वो एटलीस्ट जो हमने आपको पिक्चर दिखाई है उससे रिलेटेड हो। पहली रिक्वायरमेंट ही साइक की यही होती है। अगर आप पूछो कि एक साइकोलॉजिस्ट क्या देखता है या मैं क्या देखती हूँ स्टोरी में, तो जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि जो हमने पिक्चर आपको दिखाई है, जो पिक्चर आपको फ्लैश हुई है फॉर 30 सेकेंड, तो आपने क्या अपनी स्टोरी में वो चीजें डाली हैं, वो डिटेल्स, वो स्पेसिफिकेशंस, आपने क्या सही तरीके से उस पिक्चर को ऑब्जर्व किया है, आप कितने क्विक ऑब्जर्वर हैं, ये आपकी स्टोरी से हमें पता लगता है। तो आपकी जो स्टोरी है वो उस पिक्चर से ही रिलेटेड होनी चाहिए, और जब तक आप उस पिक्चर को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसकी एक डिटेल्स को नहीं देखेंगे, तब तक आप एक अच्छी स्टोरी नहीं बना सकते। और तो इसलिए मैं बार बार एक चीज फोकस कर रही हूँ कि आपकी जो स्टोरी है वो जो पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें जो डिटेल्स दिखा रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशंस दिखा रहे हैं, आपको उन चीजों को ध्यान रख के और बहुत ही केयरफुल तरीके से अपनी स्टोरी बनानी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस जो मैंने अभी आपको बताया है इससे आपको समझ में आया होगा कि आप लोगों ने स्टोरीज में क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या आपको नहीं करना है और किस तरीके से आपको अपनी स्टोरी को अप्रोच करना है। मतलब आज की स्टोरी में बहुत कुछ अच्छा मुझे मतलब नहीं समझ में आया कि जो बच्चों ने कुछ बिल्कुल ऐसी कोई स्टोरी लिखी हो जो बिल्कुल ही मेरे मन को छू गई हो कि हाँ ये स्टोरी है, कि मतलब जिसको मैं बिल्कुल बोल दूँ कि हाँ टिक है और बिल्कुल सही है। तो क्यों? क्योंकि जितना मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बहुत जगह आपने सुना है या पढ़ा है कि नेगेटिविटी को अवॉइड करना है, नेगेटिविटी को इंट्रोड्यूस नहीं करना अपनी स्टोरी में। तो नेगेटिविटी को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, नेगेटिविटी को अवॉइड करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है डियर, कि आप जो है अपनी स्टोरीज में जो स्टिमुलस दिखाया जा रहा है या जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है आप उसको ही अवॉइड कर देंगे, आप उसको स्किप कर देंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, है ना। तो जो पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है उसको देख के, जो आपको पहला थॉट आ रहा है, आप उससे रिलेटेड अपनी स्टोरी लिखेंगे। आप उसकी डिटेल्स को देखिए, आप स्पेसिफाई कीजिए, अपने एक्शंस लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप एक्शन लो, एज ए हीरो आपको एक्शन ही तो लेना है, आप एक्शन लीजिए। आप उसको जो है एक्शन लेके आप एक आउटकम निकाल के ले आओ, एक कंक्लूजन लेके आओ कि कैसे आपने उसको सॉल्व किया, कैसे आपने उसको टैकल किया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट ब्यूटीफुल वीडियो। मैम जाने से पहले आप कुछ ऑडियंस के साथ, कुछ एस्पिरेंट्स के साथ उनको कुछ लास्ट नोट देना चाहेंगे? मैंने विद टाइम ये रियलाइज किया है कि जो टीएटी की पिक्चर्स हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज कि जो क्राइसिस है या जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली मेंशन होता है पिक्चर में। जैसे कि वो चेन स्नेचिंग वाली पिक्चर बहुत पॉपुलर है, तो बच्चों ने देखी होगी, तो उसको बच्चे अवॉइड कर देते हैं। मतलब नेगेटिविटी को अवॉइड करने के चक्कर में स्टिमुलस को अवॉइड कर देते हैं। स्टिमुलस को अवॉइड करने का मेरा मतलब ये है कि जो चीज, जो प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर पिक्चर में या इमेज में दिखाई जा रही है वो उसको अवॉइड कर देंगे, उसको बना देंगे मूवी सीन ड्रामा एंड ऑल। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं चाहिए। जो दिया है उसको उनको स्टोरी में मेंशन करना है। जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज की, जो अगर हम आज की पिक्चर ले लें तो वो है दूसरी कैटेगरी की, कि एक क्राइसिस है, एक प्रॉब्लम दी हुई है, लेकिन आप उसको किस तरीके से या फिर आप कितना ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो। जैसे कुछ लोगों ने उसको स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें डाल दी है अपनी स्टोरीज में, तो ये नहीं चाहिए। आप उसको बता सकते हैं कि एक फैमिली का आर्गुमेंट है, हस्बैंड वाइफ है, आपस में किसी बात को लेके उनमें बहस हो गई और जो देन हीरो है वो आया, उन्होंने उसको सॉर्ट आउट कराया। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव जो थॉट प्रोसेस है वो दिखा सकते थे। तो थॉट कैटेगरी है दैट इज की एक बड़ी हैपनिंग सी पिक्चर है। सपोज एक अगर हम डाइनिंग टेबल की बात कर लें कि एक फैमिली बैठी हुई है डाइनिंग एरिया पे, कुछ आपस में डिस्कस कर रही है, तो उसमें आपको जो भी लग रहा है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है। टीएटी इज ऑल अबाउट, नॉट टीएटी एक्चुअली, साइक इज ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट कैंडिडेट, है ना। तो जो भी उनको लग रहा है वो उसमें लिख दें। तो बेसिकली पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिविटी को अवॉइड करेंगे। पॉजिटिव होने का मतलब होता है, ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब ये है कि आप किस तरीके से जो है नेगेटिविटी को या कोई प्रॉब्लम को, कोई क्राइसिस की सिचुएशन को आप कैसे टैकल कर रहे हैं, आप कैसे डील कर रहे हैं। तो बस ये है, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। बाकी जो आपको लग रहा है, जो आपका जो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट आपको जिस तरीके से आगे लेके जा रहा है, उस तरीके से आपको स्टोरीज को जो है अप्रोच करना है, एक्सप्लोर करना है, क्रिएटिव होना है, इस तरीके से आपको टीएटी को अप्रोच करना है। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट वंडरफुल इनसाइट।
And thank you so much for coming on our channel as a guest. We are really looking forward to host you next time on our channel. और एक और वीडियो ऐसी बनाते रहेंगे ऑडियंस, सो डोंट वरी, आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, एज मच एज पॉसिबल, सो दैट ये वीडियो और ऑडियंस के पास पहुंचे. थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद.